हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द टेक टीवी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे रियलमी का 3। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक 32 GB और एक 64 GB। जो 32 GB का प्राइस है वो है 8999, और जो 64 GB का प्राइस है वो है 10999। और ये मेरा जो वेरिएंट है ये है 32 GB वाला। और इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, फ्लिपकार्ट प्लस की ब्रांडिंग दी हुई है। और चलिए इसको ओपन करके देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही मैं बॉक्स खोलता हूं तो हमें सबसे ऊपर मिल जाता है ये बिल फ्लिपकार्ट की तरफ से। इसको रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा बबल रैप में आया हुआ फ़ोन। और ये बबल रैप मुझे बहुत पसंद आता है फ्लिपकार्ट का, इससे फ़ोन आपका बिल्कुल ही सिक्योर रहता है। तो इसको भी कट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा बॉक्स ग्रेइश और येलो कलर में। सामने की ओर आपको 3 मिलता है, रियलमी देखने को मिल जाता है। और पीछे कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस भी इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेड इन इंडिया और डायनामिक ब्लैक इसका कलर है। तो ये अब रहा बॉक्स, और ओपन करते हैं बॉक्स को। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास एक एनवलप आता है। सामने की ओर रियलमी और इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स दिखते हैं। यहाँ पे हमें दिख जाता है सिम इजेक्टर टूल का साइन, यानी कि ये रहा हमारा सिम इजेक्टर टूल। और कुछ पेपर मैनुअल है, ये कुछ पेपर मैनुअल्स हैं, इनको रखते हैं साइड में। और ये एक हमारा टीपीयू केस है, और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक ठाक क्वालिटी है। और जो मटेरियल है इस बार जो इन्होंने यूज़ किया है काफ़ी मोटा है, थिक मटेरियल है, और क्वालिटी ठीक ही है। और इनको भी रखते हैं साइड में। तो अब आ जाते हैं फ़ोन के ऊपर, और ये रहा हमारा फ़ोन, इसको भी रखते हैं अभी साइड में। और बॉक्स के अंदर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये क्या है, ये खुला हुआ हमें मिल जाता है एक USB केबल चार्जिंग के लिए, USB टू माइक्रो USB। और इस टाइम हर एक कंपनी हमें टाइप सी केबल दे रही है, तो रियलमी आई होप आगे से टाइप सी हमें देगा। अभी तो ये रियलमी की नॉर्मल सी जो आती है केबल USB वाली है। और ये हमें एक मिल जाता है अडाप्टर, और अडाप्टर की रेटिंग मैं आपको दिखाऊँ तो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि 10 वॉट का एक नॉर्मल चार्जर है ये। और इस फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बॉक्स को रखते हैं साइड में, और अब फ़ोन की बात करते हैं। और फ़ोन को ओपन करने के लिए यहाँ से मैं फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। तो अब आते हैं फ़ोन पे, और मैं इसका स्टिकर हटा देता हूँ। और स्टिकर हटाने के बाद ये एक डायनामिक ब्लैक है, यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर मिलेगा, और ऊपर जाते जाते ये हल्का सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। इधर आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपका कैमरा सेटअप है। और आप देख सकते होंगे कि फिंगरप्रिंट सेंसर के जो चारों तरफ एक सराउंडिंग है वो एक रिंग की तरह है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो। और इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है एक पावर ऑन ऑफ के लिए बटन, ये दिया हुआ है। और ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर ब्लैंक है, एक भी कुछ भी ऑप्शन नहीं है ऊपर। और इस साइड आपको मिल जाता है एक सिम स्लॉट, और इसमें जो आपको सिम स्लॉट मिलता है वो एक हाइब्रिड नहीं है, इसमें आप तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, यानी कि 2 सिम और 1 माइक्रो SD आपको इसमें अलग से लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ के लिए बटन, और बॉटम साइड पे जो आपको मिलता है वो है एक स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, और एक माइक्रो USB पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा सिंकिंग। और साथ में आपको एक 3.5 mm जो कि जैक होता है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पे एक आपको ड्रॉप, वाटर ड्रॉप एक इसको आप बोल सकते हैं नॉच है। और यहाँ पे आपको ईयर पीस और फ्रंट कैमरा के साथ साथ कुछ सेंसर्स भी अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ, इसका सिम स्लॉट।
तो ये देखिए, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आपको अलग से माइक्रो एसडी पोर्ट मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इसमें दो सिम्स और एक माइक्रो एसडी लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको कर लेते हैं बंद, और अब कर लेते हैं अपने फ़ोन को बूट अप। और एक बार जैसे ही ये बूट अप हो जाता है, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो अब मैंने इसको बूट अप कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं इसकी बूट अप वीडियो देखना तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो इस फ़ोन में आपको 6.2 इंचेस की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एक नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है, और ये एक आईपीएस डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलती है, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफ़ी वेल सैचुरेटेड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको 720p HD प्लस डिस्प्ले दी गई है, और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ बाकी फ़ोन से, जैसे रेडमी नोट 7 या एसूस का जेन फोन मैक्स प्रो M2, तो उन दोनों ही फ़ोन्स में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। अब आप रियलमी 3 में फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियोस नहीं देख सकते हैं, आप सिर्फ HD रेजोल्यूशन में ही वीडियो प्ले कर सकते हो। तो ये एक कमी है इस फ़ोन में जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। तो ये रहा इसका फ़ोन, और अगर मैं बात करूँ इसकी सेटिंग्स की, तो सीधे चलते हैं सेटिंग्स में। और अबाउट फ़ोन तो कुछ इस तरीके से है इसका। कलर OS 6, और एंड्रॉयड का जो इसमें आपको वर्ज़न मिलता है वो आपको पाए देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट। और जो सिक्योरिटी पैच इसमें देखने को मिलता है वो हमें लेटेस्ट यानी कि जनवरी 5, 2019। तो ये रहा इसका कुछ सेटिंग्स का। और इस फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तो दिया गया है, बट अब वो 2 है या 3 है रियलमी ने ये कन्फर्म स्पेशली नहीं किया है इस फ़ोन के रिगार्डिंग। और फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो इनफ है, अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इजीली विजिबल आपको इसमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो रियलमी 3 में आपको एंड्रॉयड पाए आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी सेटिंग्स में दिखाया है, और वो भी ऑन द टॉप ऑफ कलर OS 6। वेल, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ कलर OS 5 से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है, और जो इसमें यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है, और आपको इसमें ऐप ड्रॉवर को भी इनेबल कर दिया गया है, और नोटिफिकेशन बार में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, आपको अगर आप कलर OS 5 चलाते थे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कितने ज़्यादा इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। रियलमी 3 में आपको मीडिया टेक का हीलियो P70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, और डे टू डे यूसेज में आपको किसी तरह का लैग देखने को नहीं मिलेंगे। हैवी गेमिंग करने के लिए इसमें माली G72 MP3 GPU दिया गया है, आप इस फ़ोन में PUBG HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स में खेल सकते हैं, लेकिन HD ग्राफिक्स में थोड़े बहुत आपको फ्रेम रेट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। इस फ़ोन में आपको 4230 mAh की हैवी बैटरी दी गई है, तो आप पूरा दिन पबजी खेल सकते हो बिना किसी रुकावट के, और आप इसकी बैटरी निकाल नहीं सकते हो। जो फ़ोन में प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एफिशिएंट है, और 720p HD डिस्प्ले होने की वजह से आपकी जो बैटरी है वो भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। और इस फ़ोन में ऑलमोस्ट सभी तरीके के सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जायरोस्कोप, कंपास, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी जैसे सभी सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरास की, तो रेयर में आपको 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर दिया गया है विद f1.8 अपर्चर, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग भी दिया गया है। फ्रंट की बात करते हैं तो आपको 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है जो कि एक AI कैमरा है, और जो अपर्चर है वो है f2.0 का। और जो एक रियलमी की बात मुझे नहीं अच्छी लगी वो है कि इसमें आपको किसी तरीके का वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आपकी जो वीडियोस होंगी वो थोड़ी बहुत शेकी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस पढ़ के आती हैं, और आप इनको जो है आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं फेसबुक को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपको कुछ गूगल की बेसिक सी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, और कुछ इस तरीके का है इसका डायल पैड, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और इसको कैंसिल करते हैं
तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग एक। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैं इस फ़ोन में क्या क्या टेस्ट करूं, जैसे कि मैंने रियलमी C1 के ऊपर किया था। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइए। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अनटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।